दोस्तों नमस्कार और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं और मैं आपको दिखाने की कोशिश भी कर, ये है बदलापुर स्टेशन। अगर आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि 20 तारीख को सुबह 10:10 से ही यहाँ पर भीड़ देखी जा सकती है, और अगर शाम को आप देखें तो अब शाम हो चुका है, लगभग 10 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन जो भीड़ है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। जो भीड़ है वो हर जगह पर मौजूद है और जो रेल है वो सुबह से ही बंद है। जैसे कि मैंने कहा, एक आरोपी है, ये चाहते हैं कि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा हुई जाए, और इसलिए यहाँ पर ये जहाँ पर जो प्रदर्शन है वो जारी है। लोगों का कहना है कि सरकार कह रही है कि समय लगेगा, जांच होगी, लेकिन जो आरोपी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ ही साथ फांसी हो, ये मांग करते हुए यहाँ पर ये जो भीड़ है। आप सुबह, ये अगर जिन लोगों को नहीं पता है, बदलापुर मुंबई से सटा हुआ ठाणे ज़िले का एक शहर है, एक इलाका है, और यहाँ पर आप देखिए ब्रिज के ऊपर नीचे हर जगह पर, जहाँ पर भी आप जाएंगे आप देखेंगे कि जो भीड़ है वो हर जगह पर मौजूद है। और लोगों की मांग यही है कि जो आरोपी है और जो मामला है वो यही है कि 3 साल 10 महीने के 2 बच्चे हैं, जिसके साथ नर्सरी स्कूल में जो दोनों महिलाएं, जो बच्चे हैं, उनके साथ छेड़छाड़ का आरोप है, और तब से ही यहाँ पर न्याय की मांग की जा रही है। ये जो भीड़ है दोस्तों, इनका कहना है कि जो पुलिस को कार्रवाई की जानी चाहिए थी, अगर वो कार्रवाई हुई होती तो यहाँ पर उन्हें प्रदर्शन नहीं करना पड़ता, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। 12 और 13 तारीख का यह मामला है, 20 तारीख हो चुका है, कुछ नहीं हुआ है। इसलिए आप देखिए भीड़ को देखिए, आप जो लोग हैं वो आए हुए थे पटरी पर, सुबह से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, 10 बजे से लेकर शाम के 6 बज चुके हैं, लेकिन जो भीड़ है वो ख़त्म होने का नाम नहीं रह रही। भीड़ की ओर से यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि उन्हें इंसाफ चाहिए, उन दो लोगों के लिए इंसाफ चाहिए, 3 साल 10 महीने जिनके साथ में छेड़छाड़ की गई। दरअसल एक स्कूल है जिसके अंदर ये पूरी ये जो पूरा वारदात है वो हुआ था 12 और 13 तारीख को, और उसके बाद से ही लगातार जो लोग हैं, उनके घर वाले हैं, वो मांग कर रहे थे कि कार्रवाई हो। पुलिस की ओर से 16 तारीख को इसे लेकर FIR दर्ज किया गया, लोगों को गिरफ्तार किया गया, और तब से ही यहाँ पर जो लोग हैं वो मौजूद हैं। हम कुछ लोगों से बात भी करते हैं। आप लोग कब से हैं यहाँ पे? और सकाली 5 बजे बसून है, सुबह पाँच बसून है। आम्ही आमचे रिक्षा बंद केल्या, आता आम्हाला रिक्षाची भरपाई। अच्छा, आप लोग सब रिक्षा वाले, तो तुम्ही बोला माझ्याशी मराठी मध्ये, मी हिंदी मध्ये त्यांना हे करू सकतो। तो इनका कहना है कि ये सुबह 5 बजे से हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर ऑटो चलाते हैं। दरअसल बदलापुर में जहाँ पर मैं मौजूद हूँ वहाँ पर ऑटो और साथ ही साथ जो पूरा रेलवे स्टेशन है, हर एक चीज़ बंद किया गया है। आता काय मागणी है तुमसे, सकाळ पासून तुम्ही आए आणि हे बघा हे सगळे लोक आहेत, आप लोग सुबह से हैं, इतनी भीड़ है और लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, आप लोग की मांग क्या है? हमारी मांग इतनी है, जो बच्ची को न्याय मिले और उसको फांसी हो, बस। तो सुबह से इतने लोग आए थे, क्या कह रहे हैं आप लोग? सुबह से हैं यहाँ पर, पुलिस का प्रशासन मौजूद था, लेकिन फिर भी आप लोग हटे नहीं। अभी आप लोग क्या कुछ कह रहे हैं, और आप लोगों को नेता यहाँ पर क्या कह रहे हैं? हमारे को कोई नेते की ज़रूरत नहीं है, हमारे नेते हम खुद है, अगर नहीं मिला। नहीं, जो यहाँ पर आ रहे हैं सरकार से, वो क्या कह रहे हैं आप लोगों को, पीछे हटने कह रहे हैं? चल रहा है वो, उनके वो बात कर रहे हैं, हमारे तक का कुछ नहीं आया है। अच्छा, तो लेकिन आप लोगों को लगा कि आज बंद करना चाहिए, जो स्कूल है उसमें भी तोड़फोड़ की गई थी, और वहाँ पर भी ये कहा गया कि पुलिस के पास भी 2 दिन से ज़्यादा समय के बाद यहाँ पर FIR हुआ था। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं कि फांसी होनी चाहिए और उनकी ओर से आश्वासन दिया गया है? ये कब तक आप लोग यहाँ पर रहने वाले हैं, और साथ ही साथ जो रिक्शा है वो कब तक बंद रहेगा? हाँ, FIR के लिए 12 घंटे लगे, 12 घंटे तो हो गए ना। हाँ, सुबह 5 बजे से चले, अब कितना बज रहा है? ठीक, तो अभी आता कभी पर्यंत तुम्हें रहना रहे? आता आम्ही रिक्शा संध्याकाळपर्यंत बंदच करणार आहेत, ट्रेन आज चालू झाल्या तर आमचे रिक्षा चालू होतील, नाहीतर रिक्षा पण बंद ठेवणार आहेत। आमच्या अध्यक्षांनी आम्हाला तसं सांगितलंय, नाहीतर जी काय भरपाई असेल ती अध्यक्ष देणार आहेत, स्वतः स्वखर्चानी बोल। तो इनको कहना है कि जो रिक्शा है वो सुबह से ही बंद है और वो बंद रहने वाला है, और आप देखिए भीड़। दरअसल यहाँ पर जो दोस्तों लोग हैं वो कह रहे हैं कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए और यहीं पर आज फांसी देनी चाहिए। अब आपको ही पता है कि जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके अनुसार अगर आप जाएंगे तो ऐसे फांसी नहीं दी जा सकती, लेकिन जो लोग हैं उनका कहना है कि 3 साल 10 महीने की ये बच्ची है, अगर आप उसके साथ में, 2 बच्चियाँ हैं दरअसल, वो नर्सरी में वहाँ पर हैं, और यौन उत्पीड़न की बात की जा रही है कि वो जो यौन उत्पीड़न है वो उन दोनों के साथ किया गया था। ऐसे में अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं, और यही इनका कहना है, तो इसलिए इस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है। और आप देखें कि जो स्टेशन है उसे बंद किया गया है, रेलवे स्टेशन, और इसके ज़रिए मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। यहाँ से कई सारे एक्सप्रेस ट्रेन जाते हैं, लोकल रेलवे जाते हैं, उन सभी को यहाँ से अब दूसरे जगह पर ले जाया गया है। मैं कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा, देखिए
जो मीडिया है वो ऊपर की तरफ भी मौजूद है। ये रेलवे स्टेशन के ऊपर भी लोग हैं, नीचे लोग हैं। पीछे की तरफ अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूं, उस ब्रिज के ऊपर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी लोग मौजूद हैं। जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगे, लोग सुबह से ही यहाँ पर हैं। और भी कुछ लोग हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है बतौर महिला, और उनसे भी हम समझते हैं। एक एक कर आप देखेंगे, छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं। मैडम, तुम्ही कधी पासून आले आहे इथे? कधी किती वाजता आला? आम्ही 2 वाजल्यापासून आलो। आणि याच्यासाठीच आले कशासाठी? हो, याच्यासाठीच आलोय। हो, नाही मिळाला पाहिजे त्यासाठी आलो आम्ही। और आप रहते कहां पे? हम वेस्ट में रहते, बदलापुर में। बदलापुर में। तो अभी जो ट्रेन्स बंद है, अभी आप लोगों को क्या मांग है? क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि एक एक नेता आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम जल्द से जल्द न्याय देंगे। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं और क्यों? हम मांग यही कर रहे हैं कि उसको तुरंत के तुरंत फांसी होनी चाहिए। अच्छा, तो कब तक आप यहाँ पर रुकने वाले हैं और आप किसके साथ आए हुए? हम, ये मेरी भतीजी है, ये पोता है मेरा, हम फैमिली है हमारी पूरी। हाँ, ये आप देखिए, वैसे हमारी फैमिली यहाँ पर ही है। अच्छा, क्यों लगा आपको मैडम कि आना चाहिए और यहाँ पर प्रदर्शन करना चाहिए? कोई तो होना चाहिए ना बोलने के लिए, क्योंकि ये सब हो रहा है, ये गलत हो रहा है। ये दो दो लड़की के साथ में जो हुआ, ये सब गलत हुआ है। इसके लिए हमको लग रहा है कि ये सब हम सब रास्ते पे उतरेंगे तो ही ये न्याय मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनीता सावंत। सुनीता सावंत जी ने जो कहा, और मैंने जैसे आपको बताया कि 2 बच्चियां हैं 3 साल 10 महीने की, जिनके साथ यौन उत्पीड़न नर्सरी में हुआ। जैसे कि मैंने कहा, इससे पहले कलकत्ता में हमने देखा, अब महिला हॉस्पिटल में सुरक्षित नहीं है, बलात्कार होते हैं। नर्सरी में 3 साल 10 महीने के बच्चे के साथ अगर यौन उत्पीड़न होता है तो आप इस तरह के गुस्सा फूटते हुए नजर आएंगे। मैडम, आप कब से आए हुए हैं? हम लोग सुबह से हैं। सुबह से हैं। सुबह क्या मांग है? अभी एक एक करके जो नेता आ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हम देखेंगे क्या किया जा सकता है। देखने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर नेता ऐसे बाद में देखेंगे तो सुबह से कहाँ थे वो लोग? तो अभी आए, 4 बजे के बाद आए, उसके पहले उन लोगों ने आना चाहिए था ना। अभी इतने दिनों से सब चल रहा है, 3-4 दिनों से ये सब चल रहा है, तभी तुम लोग कोई भी आवाज़ नहीं उठाए। एक भी नेता ने आवाज़ नहीं उठाई, एक भी नगर सेवक ने, आमदार ने, खासदार ने, कोई भी नहीं। तो आज पब्लिक उतरी तभी तुम लोग कैसे बोलेंगे कि हम लोग देख लेंगे? अभी नहीं, देखने का टाइम ही नहीं है अभी। उसको एक तो पब्लिक के हवाले करो, नहीं तो सीएम को इधर बुलाओ। अच्छा, और आप लोग को लगता है कि अगर आप लोग यहाँ पर रेल रोको नहीं करते तो दबाव नहीं बनता, इसलिए रेल रोको नहीं बनता? दबाव बनता ही नहीं, जब तक रेल नहीं रोकते तब तक दबाव नहीं बनता था। जब रेलवे रेल रोकने के बाद ही उन लोगों को सबको समझ में आया, तभी वो लोग अभी बोल रहे कि हम लोग देखेंगे करके। और आप लोगों ने कब तय किया या आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, आना चाहिए? और एक फेसबुक लाइव सब चल रहा था परसों से, हमारे बदलापुर में जितने भी फेसबुक पे है सब फेसबुक लाइव कर रहे थे कि कल सुबह कुछ भी करके आदर्श स्कूल जाना ही है। जिस स्कूल में हुआ था उधर हम लोग सुबह से थे, उसके बाद हम लोग इधर आए। अच्छा। क्योंकि स्कूल वाले हम लोगों को कोई भी मतलब रिस्पॉन्स ही नहीं है स्कूल का कि बाबा हम लोग कुछ करेंगे। कोई भी बाहर आया नहीं, खाली पुलिस थी और पब्लिक थी बस, बाकी ये नेता लोग सब अभी आए। तो अभी आप लोगों की मांग क्या है? सुबह से शाम हो चुका है, ट्रेन्स बंद है, आप लोग को यहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं पुलिस को और नेताओं को? हम लोगों का यही कहना है कि अगर तुम लोग देंगे उसको फांसी वो बाद में देंगे, अगर तुमको जो भी करना है आज ही करो, हमारे सामने ही करो। अच्छा। यही हम लोगों की मांग है। ठीक, तो जैसे कि आपने सुना, इसकी शुरुआत जो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, 12 और 13 तारीख की ये घटना है और यौन उत्पीड़न जो हुआ था उसके बाद से यहाँ पर जो लोग हैं उनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। और आप देखें कि एक एक करके जो भीड़ है वो भी यहाँ पर मौजूद है और बढ़ती जा रहे हैं। इनका कहना है कि कार्रवाई क्यों नहीं की गई? 20 तारीख हो चुका और ये कह रहे हैं कि आज ही के दिन उन्हें उनके कहीं ना कहीं फांसी देने की मांग कर रहे हैं। और जो भीड़ है वो आप देखेंगे कि किस तरह से बढ़ती जा रही है। और इनका कहना है, महत्वपूर्ण बात है कि सोशल मीडिया के जरिए इनको जानकारी मिली और उसी के आधार पर ये किया गया। तो आप देखेंगे कि जो भीड़ है वो इसलिए मौजूद है, ये सारी जो भीड़ है ये फेसबुक और सोशल मीडिया पर इसका मैसेज भेजा गया था कि महिलाओं के लिए और न्याय के लिए ज़रूरत है कि साथ में आए और प्रदर्शन करें, और इसलिए आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर लोग आए हुए हैं। अब कि आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है अगर उसे आप देखें तो जो भीड़ है वो गुस्से में है। भीड़ की मांग जो है वो लगातार बनी हुई है और भीड़ कह रही है कि नहीं, जब तक कार्रवाई नहीं की जाती है हम यहाँ से नहीं हटेंगे। अब नेताओं पर, या अगर मैं बात करूँ प्रशासन पर, तो उनको ये भी याद रखना है कि आने वाले 3-4 महीने में महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं और एकनाथ शिंदे जो हैं, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, वो ठाणे ज़िले से आते हैं। इसके साथ ही साथ इस सरकार की ओर से अभी लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत वो कह रहे हैं कि हम महिलाओं के लिए 1500 रुपये प्रति महीना दे रहे हैं।
तो एक तरफ आप लाडली बहना की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि तीन तीन साल चार चार साल की बच्चियों का अगर यौन उत्पीड़न होता है तो इसलिए जो गुस्सा है वो लोगों में साफ तौर पर देखने मिल रहा है और इसलिए लोग हैं। आप कब से हैं सर यहाँ पर, आप क्यों? नहीं नहीं मैं ऐसे ही आया है। आप ऐसी भीड़ देखकर आए? अच्छा, क्या समझ में आया आपको यहाँ पर भीड़ में क्या हो रहा है यहाँ पर? ये इसका ये जो रेप के ये हो गया इसके वजह से। तो ये भी आप समझिए कि एक एक कर जो लोग हैं वो आ रहे हैं और जो यौन उसके बारे में कुछ लोग समझ रहे हैं कि क्या हुआ, कुछ लोगों को पता भी नहीं है, लेकिन अगर आप सुन पाएंगे तो वी वॉन्ट जस्टिस का जो पूरा भाषण है वो वहाँ पे पीछे आपको सुनाई देगा। बीच बीच में आप देखेंगे कि मैं साइड में इसलिए बैठता हूँ क्योंकि जो भीड़ है है और उनकी ओर से कुछ कुछ बातें कही जाती है, तो इसलिए भी आप देखेंगे कि बीच बीच में मैं रुक रहा हूँ या भीड़ घेर लेती है। लेकिन ये दोस्तों माहौल है और ये मुंबई से सटे हुए बदलापुर का मामला है और लोगों ने रेलवे नहीं रोका होता तो प्रशासन की ओर से ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए उनकी ओर से इस तरह के कदम उठाए गए हैं। वो अब रुके हुए हैं, उनका इंतज़ार है कि क्या प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाती है। प्रशासन ने देखिए जो आरोपी है उसे गिरफ्तार किया है, पुलिस की ओर से ज़रूर FIR लेने में देरी हुई थी, 12 घंटा जो है उनके लोगों को बिठाया गया था, पीड़ित के परिवार वालों को, और उसके बाद FIR लिया गया है और उसके बाद से 16 तारीख को ये FIR लिया गया है, 12 और 13 तारीख की घटना है। तो पुलिस पर लोग नाराज़ हैं, प्रशासन पर लोग नाराज़ हैं। प्रदर्शन मुंबई से सटे हुए घाटकोपर इलाके में हो रहा है। इन सभी लोगों को पता है कि जो मुंबई लोकल है वो लाइफलाइन कही जाती है, हर रोज़ हज़ारों की संख्या में लाखों की संख्या में लोग इस लोकल का इस्तेमाल करते हैं और इसलिए उनकी कोशिश है कि दबाव बनाया जाए। लेकिन क्या जगह पर किसी को सज़ा दी जा सकती है, ये सवाल आपको समझना होगा। और कितना समय इसी तरह से लोग रुके रहेंगे पता नहीं, कुछ लोग तो ऐसे भी देखने आए हुए हैं। कहीं कहीं पर आपको मैं पोस्टर भी दिखाता हूँ, ये पोस्टर भी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और ये जो माहौल है वो है, हमारी कोशिश होगी कुछ प्रशासन से भी बात करने की। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भीड़ है क्योंकि वो नहीं मान रही है तो बड़े पैमाने पर पुलिस को भी लाया गया है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँ क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर भी बनाए रखना है। आप कब तक इसी तरह से प्रशासन को रख सकते हैं? और इसलिए आप देखेंगे, ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ कि एक एक कर जो पुलिस है वो भी बड़े पैमाने पर मौजूद है। तो पुलिस प्रशासन मौजूद है, भीड़ मौजूद है, नेता ज़रूर आकर गए हैं, लेकिन क्योंकि अब तक कुछ नहीं हुआ है इसलिए आप देखेंगे कि पुलिस की ओर से कोशिश की इस भीड़ को यहाँ से हटाया जाए, लोकल को शुरू किया जाए। सुबह से तमाम तरह के जो एक्सप्रेस हाईवेज हैं उसे हटा दिया गया है और भीड़ कहीं ना कहीं आपने जो मांग की है और आप चाहते हैं कि तुरंत यहाँ पर फांसी दी जाए उसे आप जायज़ कितना ठहरा सकते हैं वो तो पता नहीं, लेकिन उसी को लेकर ये जो पूरा आप मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं वो मौजूद है। तो इस वीडियो में मेरी कोशिश आपको ग्राउंड ज़ीरो से बताने की है कि क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है और वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आगे और जो कुछ जानकारी मिलेगी वो भी आपको दूंगा। इन तस्वीरों के साथ छोड़ जाता हूँ। यहाँ पर जो कहा जा रहा है वी वॉन्ट जस्टिस और साथ ही साथ बदलापुर कर, इसलिए बदलापुर कर लिखा गया है। तो ये पूरा माहौल सुबह से लेकर शाम हो चुका है, लगभग 12 घंटे हो चुके हैं, लेकिन इस तरह का माहौल आप मुंबई से सटे बदलापुर रेलवे स्टेशन पर देख सकते हैं। भीड़ मौजूद है, न्याय की मांग कर रही है। न्याय का मतलब उनके लिए है कि वो फांसी दे, लेकिन क्या केवल फांसी के लिए? प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी होनी चाहिए, लेकिन भीड़ है कि वो बढ़ती जा रही है और सुबह से जो ट्रेन्स हैं वो बंद है। अब आगे प्रशासन की ओर से क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया पुलिस भी बड़े पैमाने पर मौजूद है, यहाँ से जो भी अपडेट्स होंगे वो मैं आपको देता रहूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं SM Official। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।